नाउ द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. यदि दिए हुए वाक्य में वंस, लॉन्ग अगो, अगो, समटाइम्स, बैक, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनमें से कुछ भी आया है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी, डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट भी आएगा. भाई जहां डिड प्लस बी फर्स्ट आता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, ये क्लियर कर लें आप. और वेयर बी टू इज यूज देयर इज नो यूज ऑफ डिड प्लस बी फर्स्ट. और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वहां डिड प्लस बी फर्स्ट का कोई मतलब नहीं है. कहने का मतलब क्या हुआ, इफ द सेंटेंस इज सिंपल देन वी टू इज यूज, देयर इज नो यूज ऑफ एच वी. जहां वाक्य सिंपल है, साधारण है, स्वीकारात्मक है, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए, वहां डिड प्लस बी फर्स्ट का कोई आशय नहीं, अर्थात वहां डिड का प्रयोग नहीं होता. और जो वाक्य नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वहां हम हमेशा डिड प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जाए कि यस्टरडे मनीष राइट ए स्टोरी. हमें पता है कि यस्टरडे शोज पास्ट इंडेफिनिट. द सेंटेंस इज सिंपल, द सेंटेंस इज सिंपल, इसका मतलब यस्टरडे है. यस्टरडे के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे, यहां हो जाएगा राउट. यदि सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे ये कहा जाए कि श्याम नॉट सिंग ए सॉन्ग लास्ट ईयर. लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया. नॉट सिंग आया, नॉट सिंग आया है तो श्याम के हिसाब से हो गया भैया डिड, यहां भर देंगे नॉट प्लस बी फर्स्ट क्या हो गई सिंग. यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जैसे ये कह दिया जाए कि व्हाई यू बीट मोहन लास्ट वीक, इंटरोगेटिव है. आप लोगों में पहले भी कह चुका हूं डब्ल्यू एच वर्ड्स, एस वी और मॉडल दो चीजें होंगी. इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्ट ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड, स्टार्ट ऑफ एच वी और मॉडल. आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो ये लेंगे कि जब डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद या तो एच वी आएगी या एच वी के बाद मॉडल आएगा. लास्ट वीक सोच पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इससे आया, पास्ट इंडेफिनिट आया यू के हिसाब से तो यहां वर्ब की क्या जाएगा डिड आ जाएगा, एच वी हो गई और केवल वर्ब की क्या भर दे फर्स्ट फॉर्म भर दे. इसी तरीके से नेगेटिव होगा, इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा. यदि आप इंटरोगेटिव नेगेटिव का कोई भी एग्जांपल लेना चाहें, मैंने कहा विजय नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, डिड है, एच भी है तो हमेशा डिड ही आनी है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लुरल सब्जेक्ट है. डिड यहां यदि नेगेटिव है तो नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड में आप ड्यूल नंबर आपका नेक्स्ट जो भी चल रहा है ड्यूल नंबर नेक्स्ट डालें, ड्यूल नंबर अपना जो भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट डालें. इसमें लिखेंगे इफ देयर इज वाई when, while when के नीचे अंडरलाइन कर लें, that is the special rule of grammar. While when, then, that day, that night, at that time, at that moment. Those days, etc. If there is while or when, while or when के नीचे आप लोगों से कह दिया मैंने underline कर लें, because while and when have various kinds of rules, or I will teach them the next rule. I will discuss while or when in the next rule or next video. If there is while, when, then, that day, that night. At that time, at that moment, those days, etc. In the given sentence, in the
गिवन सेंटेंस देन द ब्लैंक इज फिल्ड विद was or were plus be first plus ing. Here is one thing to be understood. Examples की अपन बात करेंगे. यहाँ clear हो गया कि यदि दिए हुए वाक्य में while आ गया, when आ गया, then आ गया, that day आ गया, that night आ गया, at that time आ गया, at that moment आ गया, those days आ गया, इनमें से कोई सी भी adverb आ गई in the given sentence, then the blank is filled with was or were plus be first plus ing. तो दिए हुए वाक्य का जो ब्लैंक है या तो वाज अथवा वर प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी के साथ बाहर जाएगा. लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, वाज आई जो है, आई को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं. ओरिजिनलिटी तो ये है कि आई फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट प्रोनाउन है, आई मीन्स मैं. तो मैं जो है वो कभी भी प्लुरल नहीं हो सकता. लेकिन ये एक मॉडर्न इंग्लिश की लिए या मॉडर्न इंग्लिश की आधुनिकता के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, आई को प्लुरल सब्जेक्ट माना है. आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वॉज का प्रयोग होता है. आई को पास्ट कंटिन्यूअस में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में माना है. तो आप ये ध्यान रखें कि आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, वॉज लगाना है. हम ये कहें कि आई नॉट स्पीक हिंदी, तो कॉमन है कि यहां आएगा वॉज नॉट और बी फर्स्ट में आई एन जी भर दो, क्या हो गया, स्पीकिंग. यदि एग्जांपल दूसरा देखना चाहें, मैंने कह दिया कि दे प्ले ए टेनिस मैच एट दैट टाइम. एट दैट टाइम सोच पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस आया तो देखिए हिसाब से क्या हो गया, देखिए हिसाब से हो गया वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भर देंगे, आईएनजी. हम और भी एग्जांपल देखना चाहें, मैंने कह दिया कि वाय सोहन दैट डे, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया. Why you beat Sohan that day shows past continuous आ गया that day के हिसाब से. अब you कैसा subject हो गया, you हो गया plural, you जब plural हो गया तो अपन क्या भर देंगे, you के हिसाब से आ गया वर आ गया, और इधर अपन verb की first form में क्या भर देंगे, ing, यहाँ क्या हो गया, bt. Clear?